Hello, good morning, nursery student. Good morning. How are you, beta? कैसे हो? अभी तो आपने मैंने आपको देखा नहीं इसलिए तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है. बिना देखे आपको देखती हूँ तभी तो बहुत अच्छा लगता है. तो अभी तो ये वीडियो में बोल रही हूँ, आप तो मुझे देख रहे हो पर मैं कैसे आपको देखूँ? हाँ, ऐसे आईज क्लोज करती हूँ तो दिखाई देता है. हाँ, ये कर रहे हैं. हाँ, तो चलो, तो अब हम क्या सीख रहे हैं? एबीसीडी भी सीख रहे हैं, नंबर भी सीख रहे हैं, फिर ईवीएस में भी करा रहे हैं मैम, कलरिंग भरा करा, सब सब सब्जेक्ट करा रहे हो ना मैम? और आप कर रहे हो ना? करना है हाँ बेटा. और चलो अब मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि हाउ आर यू, तो क्या बोलना है? बोला किसी ने? हाँ, सुने दिया. हाँ, मुझे आ गया अभी तो. गुड, वेरी गुड, आ गया आपको. अब मुझे करो क्वेश्चन. हाँ, आई एम फाइन, ओके. चलो अब हमने एक दूसरे को आपकी तबीयत पूछ ली, तब हम क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे ना, गॉड को प्रेयर करनी है ना. तो चलो, जॉइन योर आईज एंड क्लोज योर आईज. चलो, ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया. ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया. ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया. ओके, इट्स क्लोज. मजा आया ना? चेंज, अब नई प्रेयर सीखी हमने. ओके, चलो अब हम क्या आपको करना है? आपको क्रेयॉन लेकर बैठना है. क्रेयॉन, फिर आपकी रफ बुक, होमवर्क बुक जो भी हो वो बुक, और क्लास वर्क की बुक आपके पास आ गई हो तो वो भी लेकर बैठना है. तो हमने आज क्या सीखा? पहले हमने क्या सीखा था? कैपिटल ए, ये सीखा था ना. फिर स्मॉल ए, ये दोनों सीखा. फिर क्या सीखा? बी, बी फॉर बॉल सीखा ना. फिर ये कैपिटल बी था. फिर क्या सीखा? स्मॉल बी, बी फॉर. पहले क्या सीखा? ए फॉर एप्पल का ए सीखा. फिर बी फॉर बॉल का कैपिटल और स्मॉल सीखा. फिर हमने कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये दोनों सी भी सीखे ना हमने. तो सी फॉर कैट वाला सी सीखा. फिर मैंने आपको क्या सिखाया? स्टैंडिंग लाइन और हाफ सर्कल को ज्वाइन करना है, वो वाला डी. क्या था ये? डी फॉर डॉग वाला डी, कैपिटल डी. तो आज क्या सीखेंगे हम? स्मॉल डी. तो स्टैंडिंग लाइन और इस तरफ हाफ सर्कल, तो ये क्या हो गया? स्मॉल डी हुआ ना. ये देखो, स्मॉल डी में राइट साइड आता है हाफ सर्कल और बी में लेफ्ट साइड हाफ सर्कल आता है. ओके, वो माइंड में रखना है. इस तरफ होता है राइट साइड तो बी होता है, लेफ्ट साइड होता है तो डी होता है. तो ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी का आज हम क्या सीखेंगे? ये स्मॉल डी सीखेंगे. तो वो आपको फॉर्मेशन में लिखना है ना. फॉर्मेशन भी आपको माइंड में रहना चाहिए. तो फॉर्मेशन में कैसे लिखोगे स्मॉल डी? ओके, तो उसमें भी आपको फर्स्ट और दो सेकंड, ये दो बॉक्स का ही यूज करना है. और आपको यहाँ पर क्रेयॉन क्या रखना रखना है? सेंटर पॉइंट में रखना है. तो चलो, यहाँ रखा. फिर स्टैंडिंग लाइन कहाँ तक जानी है? थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन करनी है. देखो की वापस स्टैंडिंग लाइन की. फिर कहाँ आपको हाफ सर्कल करना है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? ओके, लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड का हाफ सर्कल करने के लिए आपको कहा वन और टू है ना, टू लाइन पे यहाँ अपना क्रेयॉन रख के यहाँ से हाफ सर्कल करके थर्ड लाइन पे फिनिश कर देना है हाफ सर्कल. ओके, देखो सेकंड लाइन टू थर्ड लाइन हाफ सर्कल और टच कर, कहाँ करने हैं? स्टैंडिंग लाइन को टच कर देना है. स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल. तो ये क्या हो गया हमारा? स्मॉल डी. पर देखो, आप ऐसे करोगे फॉर्मेशन नहीं आ सकोगे, और ऐसे करोगे तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा, ये वाला ही राइट होगा. नीचे वाले बॉक्स में आना ही नहीं चाहिए.
एक भी लाइन भी ये वाली और ये वाली दोनों में एक भी लाइन बाहर नहीं आना चाहिए। ये फॉर्मेशन सही है, ये गलत फॉर्मेशन है। तो आपको ये फॉर्मेशन तो याद रखना ही है कि फर्स्ट दो बॉक्स में ही डी आएगा। ओके, स्मॉल डी कहाँ आएगा? फर्स्ट दो बॉक्स में ही आएगा। और जिसके पास बुक नहीं हो वो अपने कोई भी एक रफ पेज लो, उसमें पहले से स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर यहाँ से सेंटर पॉइंट से हाफ सर्कल करके वहां को ज्वाइंट कर दो स्टैंडिंग लाइन को। तो ये क्या हो गया? डी। और बार बार उसको करते रहना है, स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल, ऐसे बार बार घूमते रहना है ताकि आपको इसमें बुक में इजी रहे करने के लिए। ओके, तो ये क्या था हमारा? स्मॉल डी। कैपिटल डी तो हमने सीखा, तो ये स्मॉल डी। तो दोनों का पिक्चर सेम ही होता है कि चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो डी फॉर डक ही होता है, डी फॉर डॉल ही होता है। ओके, डक तो मैंने उस दिन आपने सिखाई थी ना, मैंने वो होटल में होती है वो डक, डी फॉर डक वो होटल में होती है ना, व्हाइट कलर की, वो डी फॉर डक होता है। ओके, और डी फॉर डॉल्फिन भी होता है, जंप करती हुई मछली होती है ना, उसको डॉल्फिन बोलते हैं। तो ये हमारी बुक है, देखो आपके पास होगी इसी बुक, तो ये बुक में भी आपको करना है। डी फॉर डाइस भी होता है, डी फॉर डक भी होता है। तो ये स्मॉल में आप कैसे करोगे? पहले ट्रेसिंग करना है, ऐसे हाफ कर्व, फिर हाफ कर्व और स्टैंडिंग लाइन। ओके, इसमें ऐसे इन हिसाब से सिखाया है। चलो पहले हाफ कर्व, फिर इसको स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन, ऐसे भी कर सकते हो, स्टैंडिंग लाइन और हाफ कर्व ऐसे भी कर सकते हो। आपको जो जिस हिसाब से आपको इजी रहे उस हिसाब से आपको करना है। तो ये क्या था हमारा? स्मॉल डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल्फिन, डी फॉर डाइस, डी फॉर डक होता है ना, डी फॉर डायनासोर, कई सारे डी फॉर होते हैं। पहले आपने ट्रेसिंग कर लिया, फिर राइटिंग में हाफ कर्व, फिर ज्वाइन कर देना है स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन। ओके, और ये कर्व ज्वाइंट होना चाहिए, हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन। इसी हिसाब से आपको करना है। आज थोड़ा ज्यादा दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6 ये पेज करोगे ना, वो पेज आपको करना है कि अभी कराऊं एक में, चलो एक करा देती हूँ। चलो स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व, हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन, 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 हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन। ओके, देखो आप इस हिसाब से करोगे तो आपसे गलती होगी ही होगी, मुझे पता है, क्योंकि हाफ कर्व और स्टैंडिंग लाइन करने जाओगे तो कई लोग कैसा करेंगे, ऐसे हाफ कर्व फिर स्टैंडिंग लाइन, ये तो सही है, फिर कई लोग ऐसे करेंगे हाफ कर्व स्टैंडिंग लाइन, तो ये जॉइंट नहीं होगा ना, तो गलत हो जाएगा आपका। इस हिसाब से तो मैंने पहले सिखाया ना, वही इजी रीत है कि पहले स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर वो स्टैंडिंग लाइन को जॉइंट कर दो, ये इजी रहेगा आपके लिए। पहले कर्व करने के लिए जाओगे ना तो गलती होगी, इतना दूर करोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि पहले स्टैंडिंग लाइन फिर हाफ कर्व को ज्वाइंट कर देना है, वो इजी रहेगा सीखने के लिए। ओके, तो ऐसे आपको करना है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व, स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व ज्वाइंट किया, स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व, स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व, ऐसे। तो ये भी ये चार है ना, 1 2 3 4 ये आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चों, तो आज का ये होमवर्क था हमारा। ओके, आज के दिन इतना ही। फिर आपको अभी मैं कलरिंग बुक आपके पास आई होगी, देखो ऐसी कलर की बुक मैंने आपको उसमें दिया था ना होमवर्क, फर्स्ट बार दिया था कि आपको ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग लाइन, कौ वाली, वो सब दी थी ना अपने होमवर्क में। अब उसको पेज टर्न करके हमको ये शेप देखना है कि ये विच शेप इज दिस, तो ये कौन सा शेप है। तो देखो ये वाला शेप कौन सा है, तो क्या बोलते हैं स्क्वेयर, क्या स्क्वेयर शेप। तो स्क्वेयर शेप किसे बोलते हैं कि जिसको चारों साइड सेम ही होती है। देखो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, चारों साइड उसकी सेम ही होती, इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल जो चीज में होती है ना उसको स्क्वेयर शेप बोलते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारी हैंड करती होती
जो हमको उसको क्या बोलते हैं, हम क्लास में लेके आते हैं उसको हैंकी। तो हैंकी ये क्या है, वो घड़ी की हुई हैंकी है। तो आप हैंकी को आप ओपन रखोगे तो भी वो स्पेस में ही होगी, आप घड़ी करोगे तो भी स्पेस से भी उसका आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हैंकी का भी स्पेस से होता है, फिर ये भी स्क्वायर शेप होता है, वो क्यूब होते हैं कहीं कहीं, वो भी स्क्वायर शेप के होते हैं ना। तो यानी कि गुजराती में चौरस, चौरस यानी कि स्क्वायर, और चौरस चारों साइड उसकी सेम ही होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर। ओके, तो ये माइंड में रखना है और आपको उसमें ऐसा कलर करना है। ओके, और आज के दिन हम इतना ही करेंगे। ओके, फिर अगले वीडियो में दूसरा सिखाऊंगी। बाय बाय, सी यू।